श्री कृष्णा फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, इसका कोई भी चार्ज नहीं कटता है। फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। ये दोनों ऑप्शन आपको स्टाइल ब्लॉक में मिलेंगे और जो हमारा स्टाइल ब्लॉक होता है वो होम टैब के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ एक टेबल बना रखी है और हम इसका पहले थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसका साइज बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स हमारी एक टेबल है जिसमें सेल्समैन के नाम है और इसमें क्वार्टर वगैरह देखे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितने का सेल हुआ है, सेकंड क्वार्टर में कितने का सेल हुआ है, थर्ड क्वार्टर में कितने का सेल हुआ है एंड फोर्थ क्वार्टर में कितने का सेल हुआ है। तो ये सारे हमारे सेल्समैन के नाम है और इन्होंने कितना कितना सेल किया हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन शीट पे है। ये शीट काफी लंबी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक टेबल है। अब इस टेबल को हमें थोड़ा डिजाइन से थोड़ा अच्छा दिखे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इससे बॉर्डर ले लिया है हमने, तो इसके लिए ही इसको थीम अप्लाई करने के लिए ही फॉर्मेट एज टेबल का यूज होता है एंड सेल स्टाइल का यूज होता है। तो सबसे पहले आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। तो हमने ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली और पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट टेबल पे जाना है और देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, टेबल के डिजाइन आ रहे हैं, थीम्स आ रही हैं, तो आप कोई सी भी थीम इसमें से ले सकते हैं, कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया, एक ये वाला स्टाइल ले लिया है, हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये टेबल तैयार हो चुका है और इसमें देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब जो है हम चाहते हैं कि ये देखो फिल्टर का ऑप्शन भी अपने आप आ जाता है। तो जैसे ही फिल्टर का पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इसमें जितने भी नाम होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। आप चाहते हो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे तो आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑल से टिक हटाना होगा और किसी एक पे क्लिक करना होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं। मान लेते हैं हम देखना चाहते हैं रजनी की इन्फॉर्मेशन, तो हमने रजनी पे क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक किया तो ये रजनी ने फर्स्ट क्वार्टर में कितने का सेल किया है, सेकंड में कितने का सेल किया, तो उसका पूरा डिटेल आ चुका है। फ्रेंड अब हमें सबका देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आपको शो हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको अब इसका यूज नहीं करना है जो कि हमारा फिल्टर आ रहा है, तो फिल्टर को हटाने के लिए आपको आपको जाना होगा शॉर्ट एंड फिल्टर, ये ऑप्शन होता है एडिटिंग ब्लॉक के अंदर। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और फिल्टर से टिक हटा देना है, यानी फिल्टर पे क्लिक कर देना है तो वहां और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। सॉरी सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो वो फिल्टर का बटन हट जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ से फिल्टर का बटन चला गया है। फ्रेंड एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसे हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ऊपर एक टेबल टूल्स आ रहा है, ये टैब आ रहा है टेबल टूल्स का। देखिए हमने बाहर क्लिक किया तो वो हाइड हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो शो हो जाता है। तो ये होता है टेबल को एडिट करने के लिए। तो टेबल को एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको टेबल के अंदर क्लिक करना है और फिर टेबल टूल पे जाना है, यानी इसमें आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमने क्या करना है, टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना है और टेबल टूल पे जाना होगा आपको। देखिए ये टेबल टूल के सारा ऑप्शंस खुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शन फिर दोबारा अगेन आ गए हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो हमने ये ऑप्शन ले लिया है। फ्रेंड्स ये टेबल हमारी इस तरह से भी कुछ दिखाई देगी। अब फ्रेंड्स इसमें मान लेते हैं कि हमारी टेबल जो है यहाँ तक है या फिर यहाँ तक है और हमें इस सेटिंग को, इस जो हमने स्टाइल लिया है, स्टाइल को यहाँ तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपको इस टेबल टूल में ही, जैसे ही आप टेबल टूल पे क्लिक करेंगे है ना, तो ये रिसाइज टेबल बटन आता है। तो जैसे ही रिसाइज करेंगे तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आप जितना सिलेक्ट करेंगे वो टेबल उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया है और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए टेबल हमारा उतना बड़ा हो चुका है, अब इसमें भी आप भी कुछ टाइप कर सकते हैं, बट आपको ये हमें सिर्फ इतना ही रखना है। तो हमें क्या करना होगा, अगेन रिसाइज टेबल पे क्लिक करना है और फिर जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना सिलेक्ट करना है, उतने पार्ट को और ओके को क्लिक कर देना है तो वो हट जाएगा। फ्रेंड इसका बॉर्डर हटाने के लिए हम यहाँ से सीधा क्लियर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा टेबल आ गया। तो टेबल के अंदर और भी ऑप्शन आ रहे हैं, टेबल टूल वाले में चलते हैं। तो इसमें देखिए ये होता है, जैसे ये आप हेडिंग हटाना चाहते हैं, हेडर रो, तो यहाँ से टिक हटा दीजिए तो हेडर रो हट जाएगी, बट हमें हेडर रो चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ऐसे हम चाहते हैं फर्स्ट कॉलम डार्क हो जाए, मतलब कि जो ये हमारा कॉलम है थोड़ा डार्क हो जाए, तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे
तो देखिए फर्स्ट कॉलम डार्क हो गया। अगर आप फर्स्ट कॉलम डार्क नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लास्ट कॉलम डार्क हो जाए, तो फर्स्ट कॉलम से टिक हटा देंगे और लास्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट कॉलम भी डार्क हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम चाहते हैं कि एक टोटल की एक रो लानी है हमको, हम चाहते हैं टोटल की रो आ जाए, वहां पे टोटल लिखा हुआ आए, तो आप टोटल रो पे क्लिक कर देंगे। और देखिए टोटल की एक रो इंक्रीज हो चुकी है और इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ से इसका टोटल भी अपने आप आ गया है। और अगर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद आता है बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम। बैंडेड रो फ्रेंड्स, आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक रो हमारी डार्क है और एक रो लाइट है, फिर एक रो डार्क है एक रो लाइट है, तो ये होती है बैंडेड रो। ये थोड़ा डिजाइन होता है, स्टाइल होता है, तो आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए, बैंडेड कॉलम का स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ से टिक हटा देंगे और अगेन बैंडेड कॉलम पे टिक लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको टेबल दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स जिस तरह से भी आपको चाहिए होगा तो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा फॉर्मेट टेबल। अब जैसे कि हमें, मैंने जैसे कि बताया फिल्टर हटाना है, तो हटाने के लिए हमें ये सिलेक्ट करना होगा और आपको फिल्टर से टिक हटाना होगा। तो फ्रेंड्स बिकॉज हमने वहां से लिया है तो वो नहीं हट रहा है जिस तरह से मैंने पहले बताया, तो आप हटा सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं सेल स्टाइल पे। तो फ्रेंड सेल स्टाइल का यूज कहाँ होता है, जैसे कि इसमें हमने सेल स्टाइल पे क्लिक किया और इसमें ये नॉर्मल बैड गुड नेचुरल दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि मान लेते हैं इसने ये काम बहुत खराब किया हुआ है, मतलब कि सेल उसने अच्छा नहीं किया हुआ है, बहुत कम सेल किया हुआ है, तो हम इसे बैड में दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बैड पे क्लिक कर देंगे तो वो बैड दिखाएगा। इसी तरह से कोई वर्क उसने अच्छा किया हुआ है तो हम उसे गुड में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से गुड भी दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ही क्लिक करना है, गुड दिखा सकते हैं, या आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो हमने इसे अंडू कर दिया है। फ्रेंड्स इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ये जो नीचे थीम्स आ रही है, तो जो हमने स्टाइल ली थी फॉर्मेट टेबल में, वो चीज इसमें से भी आप थीम्स ले सकते हैं और स्टाइल ले सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें कुछ चेंज नहीं करना है और हमें पहले जैसे रखना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम फॉर्मेट टेबल का यूज और स्टाइल सेल स्टाइल का यूज कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।